फ्रेंड्स वेलकम बैक। फ्रेंड्स हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो आज हमें देखना है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है उसी के बारे में डिस्कस करना है। तो चलो स्टूडेंट, रेस्पिरेशन यानी क्या होता है? तो रेस्पिरेशन जो हम डेफिनेशन के तौर पर बता सकते हैं, सबसे फर्स्ट हमें देखना है डेफिनेशन। अभी रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच रिलीज दिस एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, देखो बहुत आसान डेफिनेशन यहाँ पर हमने लिखी है। द प्रोसेस इन विच रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मीन्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ब्रेकडाउन करने के बाद कुछ एनर्जी को रिलीज करना है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसे हम रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है रिलीजेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी रिलीज हो रही है और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेकडाउन हो रहे हैं। अभी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेकडाउन होते हैं तो वो सबस्ट्रेट कौन से है वो भी हमें यहाँ पर डिटेल में देखना है। तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है स्टूडेंट, उस प्रोसेस को हम दो तरीके से देख सकते हैं रेस्पिरेशन। अभी इस प्रोसेस के अंदर देखो हमें दो तरीके से देखना है। सबसे फर्स्ट जो होता है उसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो सेकंड है उसे हम कहेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस तरह से दो टाइप्स के रेस्पिरेशन हम बता सकते हैं और रेस्पिरेशन को दो अलग टाइप्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। अभी देखो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। स्टूडेंट एरोबिक रेस्पिरेशन को हम जब डिस्कस करेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला रेस्पिरेशन है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। मीन्स जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। अभी चलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। अभी इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन called anaerobic respiration, means जो respiration की process है वो अगर oxygen के absence में होती है तो उसे हम anaerobic respiration के नाम से जानते हैं। अभी देखो student, जो respiratory substrate है suppose वो है ग्लूकोज के बारे में तो हम सबको पता है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है। अब जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो पाइरुविक एसिड मिलता है, और जो पाइरुविक एसिड है इस पाइरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट कंपाउंड है। अभी देखो ये जो 3 कार्बन प्रेजेंट कंपाउंड है, पाइरुविक एसिड जो हमें मिला है, तो इस पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स है स्टूडेंट। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। अभी इसके अंदर जो प्रोसेस कंप्लीट हो गई है उसे हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। मीनिंग क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस का? ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज,
और लाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन, मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस। तो हमें मिला है पाइरुविक एसिड। अब इसी को हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम, ईस्ट। स्टूडेंट, ईस्ट के अंदर किस प्रकार से अनएरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, ईस्ट के अंदर किस प्रकार से ये रिएक्शन हमें दिखती है। तो देखो स्टूडेंट, ईस्ट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूसेस इथाइल अल्कोहल C2H5OH एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। तो हमें मेन प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर रिलीज होता है। तो इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, मीन इन केस ऑफ द ईस्ट इट इज द फर्मेंटेशन। ठीक है, इथाइल अल्कोहल वहाँ पर प्रोड्यूस हो गया और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी नज़र आ रहा है, तो इसी को हम फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। अभी चलो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद अगर हम मसल्स के अंदर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, मसल्स यानी कि ह्यूमन मसल्स के अंदर, ह्यूमन बॉडी मसल्स के अंदर डिस्कस करेंगे, तो देखो क्या होता है इन केस ऑफ द मसल्स। मसल्स के अंदर जो पाइरुविक एसिड है उसी का कन्वर्जन होता है लैक्टिक एसिड के अंदर, और लैक्टिक एसिड जो मिल रहा है उसी के अंदर 3 कार्बन है स्टूडेंट, और ये भी 2 मॉलिक्यूल है, ये भी 2 मॉलिक्यूल है, इसी के अंदर भी हमें सॉरी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल है। अभी देखो लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है तो इसी रिएक्शन को हम एसिडिक रिएक्शन कहते हैं, और ये मसल्स के अंदर होती है, और इसी को भी हम फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एसिडिक फर्मेंटेशन हो गया और ये जो है ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया। अभी जो मसल्स के अंदर फर्मेंटेशन हो चुका है, ये फर्मेंटेशन रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट हमारे बॉडी के अंदर मसल्स फटीग क्रिएट करने के लिए। अभी मसल्स फटीग क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम मसल्स फटीग क्या होता है। फटीग क्या होता है, मसल्स फटीग यानी कि हमारे मसल्स के अंदर पेन क्रिएट होता है। अगर हम एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारे मसल्स के अंदर फर्मेंटिक रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं, और इसी फर्मेंटिक रिएक्शन के अंदर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। और जब ये लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है स्टूडेंट, तो मसल्स के अंदर हमें वीकनेस और कुछ पेन नज़र आता है। तो ये पेन हो रहा है तो उसे हम मसल्स फटीग के नाम से जानते हैं। इसी के बारे में हमने डिटेल देखा है लोकोमोशन एंड मोमेंट इस टॉपिक के अंदर, तो यहाँ पर उसी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करने वाले। तो चलो स्टूडेंट, अभी यहाँ पर चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमें डिटेल में देखना है कुछ साइकिल्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, ये हो चुका है अनएरोबिक के बारे में। अभी चलते हैं हम थोड़ा आगे, तो हमें देखना है ग्लाइकोलाइसिस टॉपिक के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल है इसी के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, और ये साइकिल हमें डिटेल में देखना है, ये रिएक्शन डिटेल में हमें देखना है। हम उसे साइकिल नहीं कहेंगे तो रिएक्शन कहेंगे, तो रिएक्शन हमें डिटेल में देखना है। अभी एक्चुअली क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, ये रिएक्शन कंप्लीट कहाँ पर होती है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर हमें ये डिटेल में कंप्लीट करना है। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, अभी क्रेब्स साइकिल है स्टूडेंट, ये भी क्रेब्स साइकिल वहाँ पर कंप्लीट कहाँ पर होती है, तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल नज़र आती है। उसके बाद नेक्स्ट देखना है हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे ईटीसी। अभी ईटीसी का मीनिंग क्या होता है, ईटीसी यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टूडेंट ये कहां पर कंप्लीट हो जाएगी, ये होती है इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर कंप्लीट होती है। उसके बाद हमें फोर्थ वन देखना है स्टूडेंट, जिसे हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन
और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चलता है F0 और F1 पार्टिकल के अंदर, ठीक है। तो अभी F0 और F1 पार्टिकल कहाँ होते हैं ये भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, तो इसको हम डिटेल में देखने वाले। अभी ये हो गया स्टूडेंट हमारे कुछ इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन के बारे में, जो हम रेस्पिरेशन इस टॉपिक को लेकर चलने वाले हैं और इतना पोर्शन हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर हमें कुछ ATP मॉलिक्यूल्स भी नज़र आते हैं, जैसा हमने यहाँ पर डिस्कस किया है एनएरोबिक के बारे में, तो यहाँ पर हमें 2 ATP नज़र आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और इस प्रोसेस के अंदर, ज़्यादातर फर्मेंटिक प्रोसेस के अंदर, हमें जो रिएक्शंस नज़र आ रहे हैं वो रिएक्शंस वहाँ पर मसल्स फटीग क्रिएट करने वाले दिखते हैं और कुछ हमारे बॉडी के अंदर लॉस क्रिएट करने वाले ही नज़र आते हैं। तो फर्मेंटेशन रिएक्शन थोड़े हमारे लिए उतने बेनिफिशियल नहीं रहते, लेकिन जो रिएक्शंस इधर हो रहे हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस है, क्रिप्साइकिन है, ETC है स्टूडेंट, उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ये तो थोड़े हमारे बॉडी के लिए और प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल रिएक्शंस होते हैं। तो ये हो चुका है स्टूडेंट रेस्पिरेशन इसी के बारे में, क्योंकि रेस्पिरेशन जो हम देख रहे थे उसी के अंदर हमने दो टाइप्स भी देखे हैं, एरोबिक और अनएरोबिक। और डेफिनेशन तो बहुत आसान है, जैसा द प्रोसेस इन विच रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ब्रेक डाउन ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मीन्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करना है और एनर्जी को रिलीज करना है, और जब एनर्जी को रिलीज किया जाता है तो उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन है, द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन की हेल्प से होने वाला रेस्पिरेशन है। और अनएरोबिक के बारे में सोचते हैं तो द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन, दैट इज द अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम अगर ग्लूकोज कंसिडर करेंगे स्टूडेंट, तो हमें पाइरुविक एसिड मिलेगा। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो हमें पाइरुविक एसिड जो मिल रहा है उसके 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। ईच मॉलिक्यूल्स हमें वहाँ पर 3 कार्बन दिखाता है। उसके बाद ईस्ट के अंदर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और मसल्स के अंदर हमें एसिडिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन दिखता है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है मसल फटीग क्रिएट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर। और ये जो यहाँ पर हमें टॉपिक के अंदर कुछ डिटेल्स देखना है, उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होती है, उसके बाद ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कंप्लीट होती है स्टूडेंट इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस F0 एंड F1 पार्टिकल। तो ये हो चुका है स्टूडेंट एक्चुअली एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के प्राइमरी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। फ्रेंड्स हमें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में डिस्कस करना है, तो चलो आज हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस। मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट ग्लाइकोलाइसिस का? ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है। और जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है स्टूडेंट, तो एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी रेस्पिरेशन के लिए यूज होती है, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए यूज होती है। अभी रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी यूज होती है, तो हम ग्लूकोज को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो स्टूडेंट ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इसी रिएक्शन को हम EMP पाथवे कहते हैं, EMP पाथवे, इट आल्सो नोन एज EMP पाथवे। EMP पाथवे हम इसलिए कहते हैं स्टूडेंट क्योंकि 3 साइंटिस्ट ने हमें इसी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, मीन्स जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो 3 डिफरेंट साइंटिस्ट की हेल्प से मिल रही है। सबसे फर्स्ट हम M. Dane इन्हीं का नाम लेते हैं, उसके बाद मेयर ऑफ उनके बाद हमें पार्स के बारे में भी सोचना है। इस तरह से 3 साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। अभी देखो स्टूडेंट ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होती है, कंप्लीट इन साइटोप्लाज्म,
ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल और रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट ग्लूकोज है, उसी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर प्रोड्यूस हुए वाला है पाइरूविक एसिड, पाइरूविक एसिड। अभी जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो इसी रिएक्शन कंप्लीट होते समय हमें डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स वहाँ पर लगते हैं, उसके बाद एटीपी भी लगते हैं और कुछ एटीपी प्रोड्यूस भी होते हैं। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें यहाँ पर देखना है इस साइकिल के अंदर। तो चलो हम बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। देखो स्टूडेंट, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कन्वर्जन हो चुका है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और उसी टाइम एटीपी का यूज होता है, यानी कि एक एटीपी जो एडीपी के अंदर कन्वर्ट होता है। तो एटीपी की एनर्जी ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हेल्प की जाती है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट किया है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होते समय एंजाइम है आइसोमरेज, यानी कि यहाँ पर आइसोमर हमें दिखाई देता है। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, और जब 1,6 बाइफॉस्फेट के अंदर फ्रुक्टोज का कन्वर्जन होता है स्टूडेंट, तो उस टाइम फॉस्फोराइलेज एंजाइम का यूज होता है, और फॉस्फोराइलेज एंजाइम की हेल्प से वहाँ पर 1,6 बाइफॉस्फेट मिलता है, और जो 1,6 बाइफॉस्फेट मिल रहा है उन्हीं के साथ हमें यहाँ पर एक एटीपी और लगता है। उसके बाद हम चलते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट की तरफ, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अभी देखो 1,6 बाइफॉस्फेट जो फ्रुक्टोज से मिलने वाला है उसी का कन्वर्जन हमें दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर मिलता है। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसे हम कहेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और अनदर जो है वो ग्लिसिरा अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसिरा अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसी को कंटिन्यू करना है। ग्लिसिरा अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, उसी टाइम स्टूडेंट एनएडी से हमें NADH2 मिलता है, ठीक है। उसके बाद 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट के फॉर्म में नजर आता है, और 3 फॉस्फोग्लिसरेट इसी फॉर्म के अंदर जब कन्वर्जन होता है उस टाइम एडीपी से एटीपी जनरेट होता है, यानी कि एक एटीपी हमें वहां पर मिलता है। उसके बाद देखो 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट्स इनटू फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम, इसी एंजाइम की हेल्प से। उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट्स इनटू फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, मीन्स 2 फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन हो रहा है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट के अंदर, उस टाइम इनोलेज इसी का वर्क वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली स्टूडेंट फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कन्वर्ट्स इनटू पाइरूविक एसिड, और उस टाइम हमें और एक एटीपी मिलता है एडीपी से, यानी कि यहाँ पर देखो हमें एटीपी यहाँ पर ही मिल रहा है और यहाँ पर एक एटीपी मिल रहा है, और यहाँ पर मिल रहा है हमें NADH2। मीन्स हमें फॉस्फोग्लिसरा अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, सॉरी ग्लिसरा अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से पाइरूविक एसिड जब मिलता है तो उस टाइम हमें एटीपी और NADH2 मिलते हैं। तो इसी फेज को हम प्रीपरेटरी फेज कहते हैं, प्रीपरेटरी फेज, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर प्रिपेयर हो रहे एटीपी, और यहाँ से यहाँ तक एटीपी जो है वो लॉस हो रहे, तो इसे हम कहेंगे एक्सपेंसिव फेज, ठीक है। तो इसी तरह से दो फेजेस के अंदर इस रिएक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं। अभी देखो स्टूडेंट, ग्लूकोज टू पाइरूविक एसिड जो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, और यहाँ पर हमें मिल रहे पाइरूविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पाइरूविक एसिड है। तो ये रिएक्शन होती है ग्लाइकोलाइसिस की। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर सबसे फर्स्ट हमने क्या देखा, सबसे फर्स्ट देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, उस टाइम एक एटीपी यूज होता है। नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, तो आइसोमरेज एंजाइम वहां पर वर्क करता है। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, और उसी टाइम एटीपी और भी यूज होता है, यानी कि वहां पर और एक एटीपी लगने वाला है, और फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्ट करता है। उसके बाद दो प्रोडक्ट मिल रही, एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा फॉस्फोग्लिसरा अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट
अभी फॉस्फोग्लिसराइल 3-फॉस्फेट से 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट मिलने वाला है, तो उसी टाइम NADH2 फॉर्म होता है। उसके बाद 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट हमें 3-फॉस्फोग्लिसरेट के फॉर्म में नज़र आता है और उसी टाइम ATP प्रोड्यूस होने वाला है स्टूडेंट। अभी देखो 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट्स इंटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, इसी की हेल्प से कन्वर्जन हो चुका है और फाइनली हमें फॉस्फोग्लिसरेट्स के साथ इनोलेज इसी का एक्शन दिखता है और इनोलेज के एक्शन के साथ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट प्रोडक्ट मिलता है और यही फॉस्फोइनोल पाइरुवेट प्रोडक्ट फाइनली पाइरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है और हमें और एक ATP वहाँ पर मिलता है। अभी देखो यहाँ पर ATP मिल रहे हैं इसलिए हम इसे प्रिपरेटरी फेज कहेंगे, यहाँ पर ATP लॉस हो रहे हैं इसलिए हम उसे एक्सपेंसिव फेज भी कह सकते हैं। अभी यहाँ पर हमें टोटल गेन कितने मिलते हैं ATP के, देखो स्टूडेंट यहाँ पर हमें ATP जो मिल रहे हैं वो टोटल ATP है, नेट गेन 2 जो है वो नेट गेन है और नेट गेन के बाद नेट गेन 2 ATP है और NADH2 जो है वो NADH2 एक NADH2 जो 3 ATP प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर हमें 2 NADH2 मिलते हैं तो 3 × 2 यानी कि 6 NADH2 मिलते हैं और सॉरी 6 ATP मिलते हैं, तो टोटल ATP हमें 8 ATP जो ग्रॉस हम बता सकते हैं, ग्रॉस ATP कितने हैं 8, तो इसी तरह से ये हो गया ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। फ्रेंड्स हम क्रेब साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रेब साइकिल सर देखो अभी क्रेब साइकिल एक्चुअली क्या है, इसी क्रेब साइकिल को हम TCA साइकिल के नाम से जानते हैं, TCA साइकिल, और इसी का फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है, इसी साइकिल को हम TCA साइकिल के नाम से जानते हैं। तो चलो स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। अभी देखो हम क्रेब साइकिल जब देखेंगे तो उसी टाइम हमें देखना है ग्लाइकोलाइसिस क्या है। स्टूडेंट जब हम ग्लाइकोलाइसिस को डिटेल में देख चुके हैं तो इसी का प्रोडक्ट था पाइरुविक एसिड और यही प्रोडक्ट के साथ हमें आगे बढ़ना है, पाइरुविक एसिड जो TCA साइकिल को स्टार्ट करता है स्टूडेंट, यानी कि TCA साइकिल पाइरुविक एसिड से शुरुआत होती है और इसी से इसी का जो भी रिएक्शन से हमें नज़र आता है। तो देखो जो पाइरुविक एसिड हमें मिला है स्टूडेंट तो ये प्रोडक्ट था ग्लाइकोलाइसिस का और यही ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, तो इसी के अंदर 3 कार्बन थे स्टूडेंट, कितने कार्बन थे 3 कार्बन। इसी पाइरुविक एसिड का कन्वर्जन होता है स्टूडेंट एसिटिल को ए के अंदर, ठीक है, और जो एसिटिल को ए प्रोडक्ट मिला है तो इसी प्रोडक्ट को हमें ज़्यादा याद रखना है क्योंकि ये प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहा है साइकिल के अंदर। तो यहाँ पर उसी टाइम देखो हमें NADH2 मिलता है, NAD से NADH2 मिलता है NADH2 और उसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होता है और CoA इन्वॉल्व होता है, तो ये रिएक्शन वहाँ पर कंटिन्यू होती है स्टूडेंट। अभी देखो रिएक्शन को कंटिन्यू करते हुए सबसे फर्स्ट एसिटिल CoA जो है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट होते समय हमें फर्स्ट प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम कहेंगे सिट्रिक एसिड और जो सिट्रिक एसिड स्टूडेंट इसी के अंदर 6 कार्बन होते हैं, यानी कि 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर और जो 2 कार्बन है वो एसिटिल कोए के अंदर, तो टोटल हमें 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो मिल रहा है वो है सिट्रिक एसिड। अभी इसी सिट्रिक एसिड को कंटिन्यू करने के लिए और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड की रिएक्शन होने के लिए हमें यहाँ पर एक एंजाइम लेना है जो है सिट्रेट सिंथेटेज, ठीक है, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम वहाँ पर वर्क करता है और इसी को लेकर साइकिल रन होती है, साइकिल कंटिन्यू होती है, तो हमें फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पर मिल चुका है सिट्रिक एसिड, उसके बाद मिलेगा स्टूडेंट आइसोसिट्रेट और जो आइसोसिट्रेट है यही आइसोसिट्रेट प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए यहाँ पर एंजाइम जो है वो है आइसोमरेज, ठीक है,
इसी तरह से आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से हमें आइसोमर मिलता है। उसके बाद स्टूडेंट देखो, आइसोमरेज से आइसोसिट्रेट मिला और आइसोसिट्रेट कंटिन्यू होते हुए हमें दिखता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट ये प्रोडक्ट मिला है। अभी देखो अल्फा कीटो ग्लूटारेट जब मिलता है तो उसी टाइम एनएडी से हमें NADH2 मिलता है, और जो NADH2 है स्टूडेंट तो उसी टाइम हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होते हुए नज़र आता है। तो इसी तरह से ए रिएक्शन वहाँ पर कंप्लीट होती है। अभी उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटारेट का कन्वर्जन होता है सक्सिनील कोए के अंदर, सक्सिनील कोए के अंदर, और सक्सिनील कोए के अंदर जब रिएक्शन होती है तो उसी टाइम यहाँ पर कोए इन्वॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होता है और एनएडी कन्वर्ट होता है एनएडीएच2 के अंदर, ठीक है, एनएडीएच2 के अंदर इसी का कन्वर्जन होता है। और लास्ट टाइम देखो स्टूडेंट, सक्सिनील कोए का कन्वर्जन सक्सिनिक एसिड के अंदर, सक्सिनील कोए का कन्वर्जन सक्सिनिक एसिड के अंदर, हम थोड़ा इधर लिखेंगे यहाँ पर सक्सिनील कोए जो कन्वर्ट हो चुका है सक्सिनिक एसिड के अंदर, ठीक है। अभी जब सक्सिनिक एसिड के अंदर इसका कन्वर्जन होता है उसी टाइम कोए बाहर आते हुए नजर आता है और हमें जीडीपी से जीटीपी मिलता है स्टूडेंट, ठीक है, मीन्स जीडीपी जो जीटीपी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद सक्सिनिक एसिड फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमारेट और फ्यूमारेट से हमें मिलेगा मैलेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो उस टाइम एफएडी से FADH2 मिलता है, FADH2, और फ्यूमारेट से मैलेट मिलता है, और फाइनली जो मैलेट है स्टूडेंट वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है और उस टाइम हमें NAD से NADH2 मिलता है, NAD कन्वर्ट्स इनटू NADH2। तो ये हो चुकी है स्टूडेंट ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल। अब इसी के अंदर देखो हमें कितने ATP मिलते हैं, कितने ATP की एनर्जी मिल सकती है। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे, अभी हमने जो रिएक्शन चालू की थी वो सिंगल मॉलिक्यूल के साथ चालू की थी, लेकिन जब हम साइकिल कहते हैं तो इसे हम डबल करते जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर एक NADH2 मिला है, यहाँ पर दो NADH2 मिले हैं, यहाँ पर तीसरा NADH2 मिला है और एक FADH2 तो भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो एक NADH2 जो है स्टूडेंट वो बराबर होता है 3 ATP के, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितने ATP मिले, 3 NADH2 मिले वाले हैं, तो 3 NADH2 इज इक्वल टू 3 × 3 9 ATP मिले हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी कि फर्स्ट हमें 9 ATP मिलते हैं। उसके बाद एक FADH2 है स्टूडेंट, जो एक FADH2 है वो 2 ATP के बराबर होता है, यानी कि 2 ATP के बराबर अगर ये है तो 2 × 1 हमें 2 ATP मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो हमें एक GTP मिलता है, जो एक GTP बराबर होता है 1 ATP के, तो हमें मिलेगा 1 ATP यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 12 ATPs की एनर्जी यहाँ पर मिलती है, और टोटल 12 ATPs की एनर्जी अगर यहाँ पर है स्टूडेंट तो हम साइकिल कहते हैं, तो इसे हम डबल करेंगे, डबल करते हैं तो हमें 24 ATPs की एनर्जी यहाँ पर मिलती है। तो चलो स्टूडेंट, ये हो गया है क्रेब्स साइकिल। फ्रेंड्स, हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसी को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट करती है, और माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट करने वाली जो भी सिस्टम हम देख रहे हैं तो उसी के अंदर हमें देखना है एनर्जी किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होती है। अभी जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है स्टूडेंट, तो उसी के लिए हमें कुछ एरिया और रीजन के बारे में पता होना ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट देखो स्टूडेंट, इधर हम मैट्रिक्स लिखते हैं और इसी साइड को हमें पता है जो एरिया दिखाई दे रहा है वो है
inner membrane mitochondrial space. ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। इसी तरह से थ्री डिफरेंट रीजन हमें दिखाई देते हैं। अभी मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है NADH2, इसी का इंपॉर्टेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट। अभी देखो NADH2 कन्वर्ट होता है NAD के अंदर और उसी NAD से हमें हाइड्रोजन अलग हुआ नज़र आता है। जब हाइड्रोजन अलग हो रहा है स्टूडेंट तो उसी टाइम एनर्जी जो है वो मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आती है, लेकिन जो एनर्जी मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आ रही है उसी एनर्जी को एक्सेप्ट करने वाले कुछ प्रोटीन्स है, जिस प्रोटीन्स को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अभी यहाँ से आने वाली एनर्जी इस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही है स्टूडेंट, लेकिन जब एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन तक, तो इन सभी प्रोटीन को हम 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है, उसके बाद स्टूडेंट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के बाद सेकेंड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है, देन थर्ड कॉम्प्लेक्स और फाइनली 4 कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से 4 अलग कॉम्प्लेक्स हमें दिखते हैं। अभी इन्हीं कॉम्प्लेक्स से जब एनर्जी आगे की तरफ चलती है तो फाइनली एनर्जी देखो स्टूडेंट FMN से सीधा चलती है फाइनल एक्सेप्टर तक, जो फाइनल एक्सेप्टर है साइटोक्रोम A3 यानी कि A2A3। और जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है वो फाइनली मैट्रिक्स के अंदर आती है और जो मैट्रिक्स है उसी के अंदर एनर्जी का यूज़ होता है, यूटिलाइजेशन होता है वाटर प्रोडक्शन के लिए। अभी यहाँ पर वाटर किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है वो भी हम देखने वाले हैं। अभी इस तरह जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल NADH2 से अलग हो चुके हैं तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और इतने सारे H2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन भी तो बड़ा है, तो उसी टाइम इसी कॉम्प्लेक्स से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इधर आते हैं यानी कि एरिया के अंदर आ रहे हैं और जो एरिया यहाँ पर है वो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इस तरह से हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इधर भी बढ़ता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। और जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इतने सारे इधर हमें दिखाई देते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन का ऑलरेडी बढ़ चुका है, वो उसी के लिए हमें पता है कि जो एनर्जी यहाँ से जा रही थी प्रोटीन से तो वो एनर्जी मैट्रिक्स के अंदर भी आ रही है और जब मैट्रिक्स के अंदर आती है तो सबसे फर्स्ट उसे एक्सेप्ट करता है नेसेंट O2 यानी कि ऑक्सीजन उसे एक्सेप्ट करता है और उसी टाइम यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाला H2 भी O2 के साथ रिएक्ट होता है और हमें प्रोडक्ट मिलता है H2O यानी कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा कौन सा है वाटर मॉलिक्यूल वो मिलता है। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी NADH2 से आ रही थी तो उसी का यूटिलाइजेशन होकर वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया और उसी एनर्जी को इनर मेम्ब्रेन स्पेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया का उसी से ट्रांसपोर्ट किया है प्रोटीन्स ने और जो प्रोटीन्स है वो है इंट्रिंसिक प्रोटीन, तो इसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। उसके बाद देखो स्टूडेंट हमें देखना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है उसी के अंदर भी हमें ATP मिलता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें मिलता है स्टूडेंट ATP यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ATP जो बेनिफिशियल रिएक्शन है। अब यहाँ पर देखो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस था और उसी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के आगे का रीजन जो है उसे हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम हमने देखे थे उसके अंदर हमें डिटेल में पता चला था, अभी ये क्रिस्टी का एरिया है। अभी इसी टाइम देखो यहाँ पर हमें एक प्रोटीन दिखता है, एक पार्टिकल दिखता है जिसे हम F0 पार्टिकल के नाम से जानते हैं। ये हो गया स्टूडेंट स्टाक और आगे चलकर F1 पार्टिकल यानी कि ये F1 है, ये F0 है और ये तो स्टाक हो चुका है, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ए रीजन जो है ये है क्रिस्टी का, ठीक है। अभी जितने भी हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है H2 जितने भी यहाँ पर आए वाले हैं, जितने भी हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ा है स्टूडेंट वो सभी हाइड्रोजन यहाँ पर आने के बाद
वापिस फिर से मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, और जब ये वापिस मैट्रिक्स की तरफ चले गए तो उसी टाइम देखो ट्रांसपोर्ट होते समय यहाँ पर जो भी एनर्जी है वो एनर्जी यूटिलाइज होती है F1 से, और F1 क्या करते हैं उसी एनर्जी का यूज़ करते हैं, और उसी टाइम ADP से ATP प्रोड्यूस करते हैं, तो उस टाइम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ADP की रिएक्शन होती है और प्रोड्यूस होता है ATP, यानी कि ATP जनरेशन होना है इसी एनर्जी की हेल्प से। और जब ATP जनरेट होता है तो प्रेजेंट रहने वाला जो ADP है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो तो मैट्रिक्स के अंदर है, और प्रेजेंट रहने से वो प्रोड्यूस कर रहा है ATP, लेकिन F1 जो है वो एनर्जी मिलने के बाद ATPase-like एक्ट करता है, और ATPase का मेन वर्क है प्रोडक्शन ऑफ ATP। तो ये होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अभी देखो रिएक्शन जो हो चुके हमने ऑलरेडी क्या देखा है, हमने देखा है NADH2 से NAD और H2 मिलता है, उसी टाइम जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी इंटरसिक प्रोटीन एक्सेप्ट करते हैं, और इंटरसिक प्रोटीन उसी एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट प्रोटीन टू लास्ट प्रोटीन। जो लास्ट प्रोटीन है वो साइटोक्रोम ए और A3 है, तो साइटोक्रोम ए और A3 एनर्जी को मैट्रिक्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, और उसी टाइम मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट रहने वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्हीं के साथ रिएक्शन होकर वाटर मॉलिक्यूल हमें मिलता है। इन प्रोटीन को हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसे कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकंड कॉम्प्लेक्स, थर्ड और फोर्थ कॉम्प्लेक्स, और उसी टाइम हमें H2 मिलता है। अभी यहाँ पर H2 भी लिख सकते हैं हम और 2H2 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो इस तरह से हम इसे एडिट भी कर सकते हैं, उतना टेंशन लेने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अभी देखो यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के आ गए तो उसी के बाद हमें पता चला है किस प्रकार से एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं। उसके बाद हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर हमने क्या कंप्लीट किया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर हमें पता है ATP जनरेट होता है, और जो ATP जनरेट हो रहा है उसी के लिए हेल्प करता है F1 पार्टिकल। जो F1 पार्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट रहने वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन उसी स्ट्रक्चर को हेल्प करने वाले अदर भी कुछ पार्टिकल वहाँ पर प्रेजेंट है, जैसा कि F0 है। अभी देखो यहाँ पर हमने क्रिस्टी का एरिया डिसाइड किया, क्रिस्टी के एरिया से हमें पता है यहाँ पर हाइड्रोजन्स है, और जितने भी हाइड्रोजन है वो अभी इस रीजन से मैट्रिक्स की तरफ जाने वाले हैं, तो उसी टाइम देखो जब मोमेंट होती है इनकी तो जो एनर्जी आती है वो एनर्जी F1 एक्सेप्ट करेगा, F1 जब एक्सेप्ट करेगा तो उसी टाइम मैट्रिक्स के अंदर जो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उन्हीं को कन्वर्ट ATP के अंदर किया है, और जब ATP के अंदर ये कन्वर्ट होते हैं तो F1 का मेन वर्क है ATPase-like, यानी कि वो ATPase एक्ट करता है, और ATPase एक्ट कर यहाँ वहाँ पर ATP प्रोड्यूस होता है। तो ये हो चुका है स्टूडेंट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट।